चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे वेव, और वेव की क्लासिफिकेशन देख के हमने स्टार्ट किया था वेव ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। और उसके क्वेश्चंस कर रहे थे हम। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, सिंपल ही था। तो हमें यहाँ पे दिखा कि ऐसे कोई रस्सी है, हैवी रोप है, इसके ऊपर जो पल्स चल रही है उसकी जो वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहेगी क्योंकि टेंशन इंक्रीज कर रहा है, और इस वेलोसिटी का एक्सेलरेशन जी बाई टू होगा। कैसे निकाला हमने, ए बराबर वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स करके निकाल लिया। फिर टाइम भी निकाल लिया कि पल्स को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, नीचे वाले पॉइंट से ऊपर तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा अंडर रूट ऑफ 4 L अपॉन जी। अब अगला सवाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें एक रोप है जो ओमेगा से घूम रही है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, इसका मास है, रेडियस आर है, इस पर एक हल्की सी पल्स हम एक जनरेट करते हैं। इस पल्स की वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, पल्स की वेलोसिटी क्या होगी। अब देखो यहाँ लिखा है विद रिस्पेक्ट टू रिंग, तो ऑब्वियस है हमारे पास जो फॉर्मूला है पल्स की वेलोसिटी निकालने का, वी बराबर अंडर रूट टी अपॉन म्यू। ये फॉर्मूले में जो वेलोसिटी होती है पल्स की वो सिस्टम के रिस्पेक्ट में होती है, यहाँ पे सिस्टम रिंग है तो रिंग के रिस्पेक्ट में ही आएगा इससे फॉर्म, इससे जो आंसर आएगा। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू रखनी है। म्यू तो हमें पता है, मास अपॉन लेंथ हो जाएगा, तो म्यू कितना हो जाएगा, पहले म्यू बता दो, म्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे इस फॉर्मूले में अगर हम म्यू की वैल्यू रखेंगे, तो म्यू हो जाएगा मास अपॉन लेंथ, लेंथ कितनी आ जाएगी, 2πr, ठीक है। टेंशन बता दो कि अगर कोई रोप इस तरह ओमेगा से रोटेट कर रही होती है तो उसके रस्सी में जो टेंशन जनरेट होती है, टेंशन कितनी आती है इसमें, ये हमने इसका डेरिवेशन ऑलरेडी कर रखा है सर्कुलर मोशन में, इस टेंशन का किसी को याद है कितना आता था टेंशन, तो ये टेंशन आता है एम, आप इसका डेरिवेशन अपने पुराने लेक्चर्स में देख सकते हो, ये आता है एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2π, ये टेंशन आ गया। ये टेंशन हमने कहाँ से सीखा है, सर्कुलर मोशन में हमने इसका डेरिवेशन किया हुआ है, ठीक है। ओके बस अब इसको हम रख देंगे वेलोसिटी निकालने के लिए अंडर रूट टी अपॉन म्यू। टी कितना हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2π डिवाइडेड बाय एम अपॉन 2πr। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो वेलोसिटी कितनी आ रही है, अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा इंटू आर। तो ये वेलोसिटी आ गई पल्स की, वेलोसिटी ऑफ पल्स ओमेगा इंटू आर। तो रिंग के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी आ गई, ओमेगा चलिए आगे चलते हैं। चलें क्या, चलो क्वेश्चंस करो। फाइंड V1 अपॉन V2, जल्दी करो, दैट फॉर्मूला बेस्ड है, जल्दी करो। पॉइंट पे निकालनी है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, देखते कौन कर रहा है।
चलो करें, बताओ सही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई डाउट, कोई मतलब इसमें गड़बड़ तो नहीं है? चलो एक लास्ट सवाल करो इसमें, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें चैप्टर में। क्वेश्चन है, अपल्स इज प्रोड्यूस्ड एंड अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम फ्रॉम सेम हाइट। साइमल्टेनियसली फाइंड द टाइम व्हेन दे विल फाइंड द टाइम व्हेन दे विल distance of this ये क्वेश्चन है, जल्दी करना है ना, 1 मिनट का टाइम है। चलो करते हैं, तो कैसे करेंगे? देखो कि सपोज कि वो यहाँ पे मिलने वाले हैं, मिलने का रीजन तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों मिलेंगे, क्योंकि पल्स की वेलोसिटी कम होती जाएगी और पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो सपोज ये यहाँ पे जाके दोबारा मिलने वाले हैं, ये डिस्टेंस को हम एक्स ले लेते हैं कि सपोज ये एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे मिलेंगे, दोनों ही टी बराबर जीरो पे स्टार्ट हुए हैं, ये भी टी बराबर जीरो पे स्टार्ट हुआ है, ये भी टी बराबर जीरो पे एक साथ स्टार्ट हुए हैं, और सपोज यहाँ पे जब ये दोनों पहुंचे हैं तो साथ साथ ही पहुंचेंगे, तो मतलब यहाँ पे टाइम ये भी टी चल चुका होगा और ये भी टी टाइम चल चुका होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो है और यहाँ पे हम जानते हैं इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, है ना, और जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ अलग v डैश हो चुकी होगी और इसकी वेलोसिटी भी कुछ अलग हो चुकी होगी, हमें नहीं पता है इसकी वेलोसिटी,
वी डबल डैश, ठीक। ओके अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखो। तो सपोज कि सबसे पहले पार्टिकल को देख लेते हैं कि पार्टिकल को यहां से लेके यहां तक ये एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा होगा, मतलब एक्स और टी में एक रिलेशन बना देते हैं पार्टिकल के लिए। तो सबसे पहले पार्टिकल के लिए मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। सो इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। अब देखो यहाँ पे नीचे चल रहे हैं और हम बड़े भी हो चुके हैं, तो अब जरूरी नहीं है कि हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माने। हम ऐसा कर लेते हैं कि ये नीचे आ रहा है ना, एक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, सब कुछ नीचे ही है, तो नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। और आप चाहो तो ऊपर भी मान सकते हो, सेम आंसर आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे ऊपर, बताओ किसको पॉजिटिव मानोगे, ऊपर वाली डायरेक्शन को या नीचे वाली डायरेक्शन को? नीचे मान लें तो एक्स यहाँ पॉजिटिव रहेगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की? जीरो, तो यहाँ जीरो आ जाएगा। अच्छा प्लस हाफ, एक्सेलरेशन पार्टिकल का कितना होगा? नीचे की तरफ होगा, और जी नीचे की तरफ ही होता है, नीचे को हमने पॉजिटिव माना है तो जी को भी पॉजिटिव लिख दिया, इंटू टी स्क्वायर, टी टाइम लगा। अगर आप ऊपर को पॉजिटिव मानते तो एक्स यहाँ पे नेगेटिव लिखना पड़ता, जी भी नेगेटिव लिखना पड़ता, नेगेटिव से नेगेटिव करके वापस से पॉजिटिव आया था, मतलब आंसर यही आने वाला था। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एक्स बराबर क्या रिलेशन आ गया आपको, ये आ गया हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। ठीक है, इसको निकाल के हमने रख लिया, एक इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक। एक और इक्वेशन मैं किसके लिए बनाऊंगा, पल्स के लिए। पल्स के लिए भी देखो, पल्स का हम इनिशियल वेलोसिटी जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी जानते हैं क्या पल्स की? हाँ, हमने ऑलरेडी डराइव कर रखा है, और अगर आपको याद नहीं है तो आप फिर से डेरिवेशन कर सकते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी हाइट एल है, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी पल्स की अंडर रूट जी एल। यहाँ पे सबसे ऊपर लेंथ एल है रोप की, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी जाएगी, जी एल। और हम जानते हैं पल्स का जो एक्सेलरेशन होता है वो ऊपर डायरेक्शन में जी वाई टू होता है, ये भी हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो ये दो चीजें हमको पता है, इनिशियल वेलोसिटी पल्स की कितनी जाएगी अंडर रूट जी एल, और पल्स का जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की साइड होता है जी वाई टू, ठीक। अब हम पल्स के लिए भी इक्वेशन लगा देते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपकी इच्छा है आप किसको पॉजिटिव मानो किसको नेगेटिव मानो, तो हम नीचे को ही नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। नीचे को ही नेगेटिव मान के मैं लिख रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना लिखूंगा मैं, एक्स लिखूंगा पॉजिटिव में, इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे है, तो मैं यहाँ अंडर रूट जी एल लिख लेता हूँ, पहुंचने में समय टी लग रहा है, माइनस लगाऊंगा क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है जी बाई टू, तो हाफ जी बाई टू टी स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमें, अब देखो हम चाहे तो एक चीज कर सकते हैं, यहाँ से सीधा सॉल्व एक साथ ही कर लेंगे ना। हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू मिली, यहाँ पे भी हमें एक्स की वैल्यू मिली, एक्स को यहाँ इधर रिप्लेस कर देते हैं, कर दें क्या, एक्स को इधर रिप्लेस कर देते हो, फिर देख लेते हैं डायरेक्ट आंसर क्या आ रहा है। भाई यहाँ से एक्स कितना है, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूँ तो हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो ये सपोज ये इक्वेशन हमको सेकेंड मिल गई। अब हम आगे सॉल्व कर रहे हैं एक्स की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया तो मिला हाफ जी टी स्क्वायर बराबर अंडर रूट जी एल टी, यहाँ पे कितना है, माइनस 1/4 जी टी स्क्वायर। 1/4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3/4 जी टी स्क्वायर अंडर रूट जी एल इंटू टी। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टाइम कितना आया, अंडर रूट जी एल इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3g, राइट। यहाँ पे आप g को निपटा सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 4/3 अंडर रूट एल अपॉन जी। ये टाइम आ गया कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में समय कितना लगेगा, इतना समय लगेगा, इतने समय के बाद ये दोनों फिर से सेम लेवल पर आ जाएंगे। अब समय निकल गया तो x निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, x निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। टाइम आ गया, अब टाइम की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो तो एक्स आ जाएगा, राइट। तो एक्स बराबर कितना हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, तो 4/3 अंडर रूट ये एक्स आ गया। किसी को कोई डाउट?
8/9 जी सही गया, 8/9L, एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। किसी को कोई डाउट पूछ ले, अगर किसी को कोई डाउट है तो फिर हम आगे चलेंगे। तो ये हमने वेलोसिटी ऑफ पल्स या वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग हमने पढ़ ली। अब हम आगे चल रहे हैं इस चैप्टर में, अब हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव लिखना। जो ट्रैवलिंग वेव मैंने कल आपको दिखाई थी, कल के लेक्चर में आप देख सकते हो फिर से, वो जो ट्रैवलिंग वेव चल रही थी आगे कुछ, है ना, अभी दिखाते हैं फिर से। तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, राइट, उसकी इक्वेशन का क्या मतलब है, उस समय आपको बताऊंगा। तो हमारा अगला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव का कैसे लिखते हैं और मतलब क्या होता है ना। सो सपोज ये एक स्ट्रिंग थी, ऐसे सीधी स्ट्रिंग है, लेकिन हम फर्स्ट पार्टिकल को क्या करा रहे हैं, ऑसिलेट करा रहे हैं ना। फर्स्ट पार्टिकल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है, तो ये जो वाइब्रेशन है यही तो आगे ट्रांसफर हो रहा है। गौर से देखो, ये पार्ट बस ये पार्टिकल ऊपर नीचे होना स्टार्ट किया था, फिर ये एनर्जी आगे ट्रांसफर हुई, तो सब पार्टिकल अपनी जगह पर ऊपर नीचे इस तरीके से होना स्टार्ट हो गए, राइट। तो वेव की इक्वेशन लिखी जाती है इस टर्म में, लिखना वेव की इक्वेशन आप जब भी देखोगे, देखोगे वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमा टी। अब यहाँ पे इसका मतलब समझते हैं कि वाई का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या है और टी का मतलब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले वाई, तो y क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, सो यहां पे ये एक्सिस, ये वाली एक्सिस y है, सपोज ये वाली एक्सिस, इस एक्सिस को हम y एक्सिस कह रहे हैं, ठीक है, और ये वाली एक्सिस है x एक्सिस, ठीक है, नीचे भी है ऐसा। सो ये वाली एक्सिस है वाई एक्सिस और ये वाली एक्सिस है एक्स एक्सिस। तो वाई का मतलब क्या है, पार्टिकल की पोजीशन, जैसे ये पार्टिकल जीरो पे है, ये पार्टिकल थोड़ा और ऊपर है, ये वाला पार्टिकल और ऊपर है, ये वाला पार्टिकल बहुत ऊपर है, मतलब यहाँ पे है, फिर ये इसकी पोजीशन है वाई, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन, है ना। और एक्स का मतलब क्या है बताओ, एक्स का मतलब है पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑन द स्ट्रिंग। x का मतलब जैसे x बराबर 2 का मतलब क्या हुआ, ये 2 है, x बराबर 2 मतलब स्ट्रिंग पर x बराबर 2 पर जो पार्टिकल है x, वो बता रहा है। अब वो पार्टिकल जो है x बराबर 2 पर, वो जरूरी थोड़ा ना हमेशा यही रहे, वो तो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है समय के साथ। अरे बात समझ में आई, तो x का मतलब है पोजिशन ऑफ पार्टिकल, पोजिशन ऑफ पार्टिकल ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। और टाइम क्या है यहाँ पे, टाइम तो टी यहाँ पे टाइम है, तो इस वाई एक्स टी का मतलब क्या हो गया, वाई एक्स टी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑन द स्ट्रिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या एट एनी टाइम टी, समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट द पोजिशन एक्स एट ए जनरल टाइम टी, इसका ये मतलब हुआ। वाई एक्स टी का मतलब समझ में आया आपको, वाई एक्स टी का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट यहां पे तो किसी भी वेव की इक्वेशन है, वेव की इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेसिकली, वेव की इक्वेशन का मतलब है y, जो हम इक्वेशन लिखते हैं बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट अ पोजीशन x एट अ जनरल टाइम t, मतलब कौन पार्टिकल कितने समय पर क्या पोजीशन पे है ये बताना हर पार्टिकल के बारे में। तो जो वेव की इक्वेशन है वो हर पार्टिकल की जानकारी देती है, बस आपको एक्स पुट करना है उसमें, जैसे आपने एक्स बराबर 2 पुट कर दिया, ठीक है, तो ये पार्टिकल टाइम के साथ कैसे मोशन कर रहा है उसकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और फिर आपने अगर उसमें टाइम भी पुट कर दिया, एग्जैक्ट टाइम भी पुट कर दिया, तो फिर वो ये बता देगा कि यहाँ पे जो पार्टिकल है x, जो भी हम x की वैल्यू रखेंगे, वो किस टाइम पर कहाँ पर है, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है क्या, ये होता है इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव का मतलब, ये होता है कि कोई भी पार्टिकल जो स्ट्रिंग पर है उसकी पोजिशन जो भी है, तो अगर हम यहाँ पे जो भी मैं आपको अभी वेव की इक्वेशन दूंगा, निकालना भी सिखाऊंगा वेव की इक्वेशन, तो
अच्छा, अब यहाँ पे जो वेव मैंने लिए, यहाँ पे जो फर्स्ट पार्टिकल जैसे वाइब्रेट करेगा वैसे ही हर पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, एक फिक्स एसएच मतलब एक एम्पलीट्यूड ए में एसएचएम कर रहा है, तो हर पार्टिकल यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए में एसएचएम करेगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन होगी वो किसकी इक्वेशन आएगी, साइन के टर्म में इक्वेशन आएगी, क्योंकि एसएचएम की इक्वेशन भी साइन के टर्म में होती है ना। तो हमारे कोर्स में जो वेव है वो साइनसोडल वेव है, इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं, बाकी और भी वेव है तो हम तो जनरल बात कर रहे हैं। ये शेप तो मैंने एक स्पेसिफिक शेप ले ली, पर एक जनरल शेप जो मैंने कल आपको एक मैनुअल डिस्टरबेंस करके दिखाया था ना, तो वहाँ पे कोई भी शेप जनरेट हो रही थी, उस सभी शेप के लिए, सभी के लिए वैलिड है ये जो मैंने लिखा है ना, कि वेव ऑन ए स्ट्रिंग या इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव का क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट पोजिशन एक्स एट जनरल टाइम टी। एक्स फिक्स कर दोगे तो मतलब आपने पॉइंट को फिक्स कर दिया, तो उस पॉइंट के पॉइंट जैसा मोशन कर रहा है उसकी इक्वेशन आ जाएगी, राइट? और टाइम फिक्स कर दिया तो उसकी उस पर्टिकुलर टाइम पे वो कितना डिस्टेंस है, उसकी वाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो आ जाएगा। चलिए अब निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। चलिए तो एग्जांपल के फॉर्म में हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे क्या है ना, एक इक्वेशन ऑफ वेव लिखनी है, वो किधर जा रही है, पॉजिटिव एक्स किधर। अब वेव देखो इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है, लेकिन हम क्या मान रहे हैं, एक्स में जा रही है। और एक इंफॉर्मेशन और दी है हमें, हमें दिया है वाई 0, t, 0, t बराबर दिया है ए साइन ओमेगा टी, ये दिया है। इसको समझो इस क्या दिया है, ये हमें बताया है कि x बराबर 0 पर ही किसकी पोजीशन होती है, x की, है ना। तो हमें दिया गया है कि x बराबर 0 पर मतलब पहला जो पार्टिकल है स्ट्रिंग का, तो x बराबर 0 फिक्स कर दिया है, राइट? तो बेसिकली ये क्या है, जो x बराबर 0 पर जो पार्टिकल है उसका मोशन, उसके मोशन की इक्वेशन हमें दे दी, उसके एज ए फंक्शन ऑफ टाइम की इक्वेशन हमें बता दी कि पहला पार्टिकल क्या कर रहा है। तो पहले पार्टिकल देखो ध्यान से किसकी इक्वेशन है, आपको एसएचएम की इक्वेशन दिखाई दे रही है, ए साइन ओमेगा टी, यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम टी, मतलब पहला पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, राइट? तो आपको उस पूरे वेव की इक्वेशन बतानी है, तो कैसे करेंगे देखो, तो देखना ध्यान से, हमें क्या दिया है, हमें ये बताया है कि एक्स बराबर 0 पे जो पार्टिकल है, मतलब ये वाला पार्टिकल, ये एक्स बराबर 0 पर जो पार्टिकल है इसका मोशन की इक्वेशन हमें दे दी है, तो क्या कर रहा है टाइम के साथ, एसएचएम कर रहा है, लेकिन हमें तो वेव की इक्वेशन बतानी है, मतलब एक जनरल पॉइंट एक्स पर उस पार्टिकल की टाइम के साथ क्या फंक्शन है, वो इक्वेशन ऑफ वेव कहलाता है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, यहां से कहीं जाना है या किसी एक रैंडम एक्स पर जाना है, ठीक है, रैंडम एक्स पर गए हम, सपोज हम यहाँ का एक एक्स डायरेक्शन पे, यहां से ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन कोई पॉइंट लिया, ये पॉइंट इस वक्त कहाँ पे है, उसकी पोजीशन क्या है बताओ, उसकी पोजीशन ये है ना, तो इसकी पोजीशन लिखनी है हमें वाई। तो कैसे लिखें, ये किसी टाइम टी पर, एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पर एक जनरल एक्स पर अगर हमने इस पार्टिकल की पोजीशन लिख दी तो वो किसकी इक्वेशन बन जाएगी, वो इक्वेशन ऑफ वेव की इक्वेशन बन जाएगी, राइट? क्या बात समझ में आई आपको, दोबारा देखो, सपोज हमने वो पॉइंट लिया, यहाँ कहीं भी ले सकते हैं ना, एक बात बता रहा हूं मैं आपको, सपोज ये ले लिया हमने कि यहाँ पर्टिकुलर इस जगह पर जो पॉइंट है उसकी पोजीशन हमें लिखनी है किसी टाइम टी पर, एट एनी टाइम टी, किसी जनरल टाइम टी पर, किसी जनरल पॉइंट एक्स पर जो पॉइंट है उसकी पोजीशन अगर मैं वाई लिख दूंगा तो मजा आ जाएगा, राइट? वही आंसर भी है, अरे बात समझ में आ रही है क्या? अब कैसे लिखे है ना, यहाँ लगता है दिमाग कि कैसे लिखें, कैसे लिखे बताओ, हमें तो पता ही नहीं, लेकिन हमें इस फर्स्ट पार्टिकल का तो पता है। अच्छा, यहाँ पे जो स्पीड ऑफ द वेव है, वेलोसिटी ऑफ द वेव है, वो वी है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेव, यहाँ पे जो वेव है वो कितने स्पीड से जा रही है, वी स्पीड से आगे की तरफ जा रही है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट पार्टिकल की एनर्जी होती है वही तो आगे ट्रांसफर होती है, मतलब किसी टाइम टी पर
किसी टाइम टी पर ये पार्टिकल कहाँ पे होगा, इसका पता हम इससे लगा सकते हैं कि देखो यहाँ वाले मोशन को यहाँ पहुंचने में कितना समय लगा, पहले वो निकाल लो कि यहाँ पे जो इसने एनर्जी ट्रांसफर की होगी, अब एनर्जी कितने स्पीड से आ रही है, 20 स्पीड से जा रही है, तो उसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा, क्या हम ये बता सकते हैं कि एनर्जी को एक्स बराबर जीरो से एक्स बराबर एक्स तक अगर 20 स्पीड से जा रही है तो पहुंचने में कितना समय लगा होगा, तो पहुंचने में लगने वाला समय कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन वी। क्या ये बात समझ में आई कि एनर्जी को यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, एक्स अपॉन वी, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है एक्स और स्पीड कितनी है वी। तो मैं ये कह सकता हूं कि अभी हमें किसी टाइम टी पर इस पार्टिकल की पोजिशन निकालनी है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं टाइम में उल्टा चलूं, सुनने ध्यान से, अगर मैं टाइम में उल्टा चलूं और कितना पीछे पहुंच जाऊं, एक्स अपॉन बी पीछे पहुंच जाऊं, मतलब अगर मैं इस पार्टिकल की, इस पहले पार्ले पार्टिकल की पोजिशन टी माइनस एक्स अपॉन वी पर लिख दूं, टी माइनस एक्स अपॉन वी पर लिख दूं, तो मुझे इस पार्टिकल की पोजिशन पता लग जाएगी टी पर, क्योंकि यहां से जो डिस्टर्बेंस चला उसको यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, एक्स अपॉन वी समय लगा। तो अगर मैं किसी टाइम टी पर इस पार्टिकल की पोजीशन लिखना चाहता हूं तो मैं टी माइनस एक्स अपॉन वी पर इसकी पोजीशन लिख दूं, वही टी टाइम पर इसकी पोजीशन होगी। तो आपने क्या किया, टाइम ट्रेवल किया, आप उल्टा चले समय में कि भाई यही वाला तो डिस्टर्बेंस यहाँ आया है और इसे पहुंचने में एक्स अपॉन वी समय लगा। मुझे किसी टाइम टी पर इसका इसका वो निकालना है पोजिशन, तो मैं क्या करता हूँ, टाइम में उल्टा चलता हूँ, टी माइनस एक्स अपॉन वी पे इसकी पोजिशन निकाल लेता हूँ, वही आंसर हो जाएगा। अब इसकी पोजिशन कैसे निकालें, तो उसका तो हमें इक्वेशन दी हुई है, तो भाई ये तो मजे ही आ गए। तो मैंने क्या किया, जो हमें एक्स बराबर जीरो की पार्टिकल की जो पोजिशन की इक्वेशन दी थी, इसमें टाइम की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, टी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, टी माइनस एक्स अपॉन वी, मतलब मुझे ये इक्वेशन मिली वाई एक्स टी बराबर वाई जीरो कॉमा टी माइनस एक्स अपॉन वी। ये रिलेशन हमने निकाल लिया कि किसी पार्टिकल की पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विच इज ऑन एक्स एज एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो कि एक्स बराबर जीरो पर है एट टाइम टी माइनस एक्स वी, एक्स टी माइनस एक्स अपॉन वी बराबर होगा। अरे समझ आया, वाई एक्स टी का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट पोजिशन एक्स एट अ जनरल टाइम टी। तो हमने ये लिखा, इस कंक्लूजन से हमने डायरेक्ट एक बात लिखी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विच इज एट पोजिशन एक्स एट जनरल टाइम टी इज इक्वल टू पार्टिकल एट एक्स बराबर जीरो एट टाइम टी माइनस एक्स अपॉन बी। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि यही वाला डिस्टर्बेंस तो आगे गया। खैर अब बहुत होगी थ्योरेटिकल बातें, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं हम। तो हमने क्या किया, एक्स कॉमा टी लिखने के लिए जो ये इक्वेशन थी, इसकी इक्वेशन, इसमें टाइम की जगह क्या पुट कर दिया, टी माइनस एक्स अपॉन बी। तो हमें इक्वेशन मिली ए साइन ओमेगा टी माइनस, देखो ओमेगा टी, सॉरी टी की जगह पुट करना है ना, तो ये इसको मैं हटा देता हूँ ऐसा। तो टी की जगह मैंने क्या रख दिया, टी माइनस एक्स अपॉन वी, इस तरीके से। इसको थोड़ा सॉल्व किया तो मुझे मिला ए साइन ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई किया ओमेगा टी माइनस ओमेगा अपॉन वी इंटू एक्स। ये क्या मिली, इसे कहते हैं हम इक्वेशन ऑफ वेव, ट्रैवलिंग वेव, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। अब इसको और सजाएंगे थोड़ा और, इसमें मतलब ये एक जनरल इक्वेशन है, अब इसमें थोड़ा जैसे ओमेगा ओपन बी को एक्स लिख देंगे, मतलब थोड़ा करेंगे अभी और इसमें और चीज सीखेंगे, बट दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द ट्रैवलिंग वेव। कैसे आई आपको समझ में आया, इसका डेरिवेशन समझ में आया? तो देखो ये क्या बता रहा है, यहाँ पे x भी वेरिएबल है और टाइम का भी वेरिएबल है, मतलब अगर आप x फिक्स कर दोगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट की मोशन की इक्वेशन बताएगा,
और आपने अगर टाइम फिक्स कर दिया, टाइम को रोक दिया, टाइम फिक्स करने में टाइम को रोक दिया मतलब स्नैपशॉट ले लिया, जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे, तो ये उसकी शेप बताएगा कि वेव की शेप कैसी है। देख समझ में आया आपको कि अगर आपने टाइम को रोक दिया मतलब स्नैपशॉट ले लिया, उसको पॉज कर दिया, तो वो क्या बताएगा कि जो वेव ट्रेवल हो रही है उसकी शेप कैसी है। और अगर आपने एक्स को फिक्स कर दिया मतलब एक पर्टिकुलर एक पार्टिकल को आप देख रहे हो, तो उसका मोशन दिखाएगा, उसकी मोशन की इक्वेशन दिखाएगा, राइट। जैसे आप करके देख लो, अगर आपने यहाँ पे एक्स को फिक्स कर दिया, सपोज एक्स बराबर जीरो रख दिया, तो ये किसकी इक्वेशन है, एसएचएम की, मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन क्या है उसका। और सपोज आपने टाइम को जीरो रख दिया, टाइम को जीरो रख दिया, तो ये किसकी इक्वेशन आ गई, साइन के कर्व की वाई और एक्स में रिलेशन आ गई। तो बेसिकली क्या दिखा रहा है, एक शेप दिखा रहा है। समझ में आई आपको वेव की इक्वेशन। अच्छा, तो अब ये तो मैंने एक पर्टिकुलर जो हमारे कोर्स में डिटेल में उसके लिए लिखा कि साइनसोइडल वेव माना, क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल को मैंने एसएचएम कराया, लेकिन फर्स्ट पार्टिकल जरूरी नहीं एसएचएम करे, वो कुछ भी कर सकता है। तो उससे जो शेप मिलेगी साइन के कर्व जैसी ना मिलके कुछ भी मिल सकती है, लेकिन उसमें भी आपको पूछा जाएगा कि बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना, इसकी किस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, तो आप उसकी इक्वेशन देख के बता सकते हो। तो इक्वेशन में आगे किसका फंक्शन है उससे मतलब नहीं है, अंदर क्या लिख रहा है उस पर आप ध्यान रखो, है ना। तो आप वेव की इक्वेशन आसानी से निकाल दोगे। ठीक, करके देखते हैं कुछ क्वेश्चन। भाई आपको वेव की इक्वेशन दे दी सपोज, और पूछेगा कि बताओ ये वेव किधर चल रही है, पॉजिटिव एक्स में जा रही है, नेगेटिव एक्स में जा रही है, या इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो आगे फंक्शन किसका उसको ध्यान मत दो, लेकिन अंदर टी का और एक्स का जो टर्म है वहां पे आप देख सकते हो वेलोसिटी बेसिकली क्या दिख रही है आपको, ये मतलब एक्स के साथ जो लिखा हुआ है, मतलब ऐसे भी कर सकते हो कि टाइम का कॉफिशियंट वन करना है, मतलब अगर टाइम के साथ कोई मल्टीप्लाई में हो रहा है, कुछ भी चीज मल्टीप्लाई में, तो उसको बाहर ले आओ। ठीक है, बाहर ले आओगे, तो उसके बाद जो एक्स के नीचे बचेगा दैट इज वेलोसिटी, मतलब एक्स का जो कॉफिशियंट बचेगा वो वन अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। अरे कंपेयर करना सिखा रहा हूँ, कंपेयर करना आता है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, सीखेंगे, है ना। ठीक है, वेरी गुड। इसको एक टर्म में और लिख लो, जैसे y x t, आगे लिखना पड़ेगा, यही लिख देता हूँ, a साइन, ये हो गया ओमेगा t। ये जो ओमेगा अपॉन बी है, ओमेगा मतलब जानते हो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, और ये v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ वेव। ये ओमेगा अपॉन बी को k से डिनोट करते हैं, k x। अब k क्या है, k आपके लिए नया चीज है, k है एंगुलर वेव नंबर। अभी देखेंगे आगे, बट मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आपको याद होने लग जाए धीरे धीरे कि क्या है ये, राइट। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल गया, ये रिलेशन हम याद रख सकते हैं कि ओमेगा अपॉन वी बराबर के। तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या लिख सकते हैं अपन, ओमेगा अपॉन के, राइट। याद रखो कि इसको ऐसे भी याद रखता हूँ, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, ओमेगा बराबर के वी, केंद्रीय विद्यालय, ओमेगा इज इक्वल टू के वी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो अब इसमें ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन बताओ। यहाँ पे आपको वेलोसिटी ऑफ द वेव 2 मीटर पर सेकंड दे दिया, डायरेक्शन दे दी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है वेव, है ना। और इस बार एक्स बराबर जीरो के लिए नहीं दिया है, पिछली बार एक्स बराबर जीरो के लिए दिया था, इस बार एक्स बराबर जीरो के लिए नहीं दिया है डिस्टर्बेंस, जो डिस्प्लेसमेंट दिया था पिछली बार x बराबर जीरो के लिए दिया था ना, ये t के टर्म में, इस बार t के टर्म में ही दिया है, पर किसके किसके लिए दिया है, x बराबर 4 के लिए। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो बेसिकली आपको ये दिया है इस बार y 4, t, मतलब x की वैल्यू फिक्स कर दी 4, और वहां पे जो पार्टिकल है वो किस तरीके से उसका मोशन हो रहा है टाइम के साथ वो दिया है। आपको ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन निकालनी है, निकालो, कैसे करोगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप निकाल दोगे। तो देखो इस बार सपोज ये है, यहाँ पे x बराबर जीरो है, और कुछ यहाँ पे x बराबर 4 है, ठीक है, और कोई पार्टिकल है वो यहाँ है x बराबर x पर, ठीक। और x बराबर x पर जो पार्टिकल है वो किसी टाइम t पर, सपोज यहाँ इसकी कोई शेप ऐसी होगी, हमें नहीं पता, यहाँ पे साइनसोइडल वेव नहीं है, साइनसोइडल मतलब साइन के
फंक्शन की वेव नहीं है तो यहाँ पे शेप कैसी होगी हम उसकी बात कर लेंगे, बट अब एक जनरल ऐसी कुछ मान लेते हैं कि समझो सपोज शेप कुछ ऐसी होगी, है ना, मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल है वो, यहाँ पे जो पार्टिकल है भी एक्स बराबर एक्स पर, वो सपोज इस तरीके से यहाँ है ना, यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, हमें अगर एक्स बराबर एक्स पर किसी टाइम टी पर इस पार्टिकल की पोजिशन मिल जाए तो बस यही इक्वेशन ऑफ वेव है। तो कैसे करते हैं टाइम ट्रेवल याद है आपको? अच्छा, जो वेव यहाँ पे चल रही है, राइट, जो वेव यहाँ पे ट्रेवल कर रही है, सपोज वो यहाँ से, यहाँ से अभी हमें एक्स बराबर 4 के लिए दिया है ना, वेव जो ट्रेवल कर रही है वो कितने स्पीड से कर रही है, 2 मीटर पर सेकेंड, सपोज 20 स्पीड से ट्रेवल कर रही है, राइट। तो पिछली बार हमें एक्स बराबर 0 पर डिस्टरबेंस दिया था, तो हमने बोला था कि यहां से यहां तक वेव को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, एक्स अपॉन वी, राइट। और यहाँ पे हम किसी टाइम टी की बात कर रहे थे, तो हम यहाँ पहुंच गए थे और हमने बोला कि यहाँ पे जो टी माइनस एक्स अपॉन वी पर, टी माइनस एक्स अपॉन वी पर जो ये पोजिशन होगी वही पोजिशन टी बराबर टी पर इसकी होगी। लेकिन इस बार एक्स बराबर 0 पे तो दिया ही नहीं हमें, एक्स बराबर 4 पे दिया है, तो इस बार टाइम ट्रेवल कहाँ से कहाँ तक होगा, एक्स बराबर 0 से, सॉरी एक्स बराबर 4 से एक्स बराबर एक्स के लिए टाइम ट्रेवल, समझ में आया? मतलब यहाँ पे जो डिस्टरबेंस है उसको एक्स बराबर एक्स तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा बताओ, एक्स बराबर 4 पर जो डिस्टरबेंस है उसको अगर वी वेलोसिटी से चल रहा है तो उसको यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा भाई, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स माइनस 4 अपॉन वी, आई बात समझ में? तो इसका मतलब ऐसे लिख सकता हूं ना कि वाई ऑफ पोजिशन एक्स एट ए जनरल टाइम टी इज इक्वल टू वाई, मतलब पोजिशन ऑफ पार्टिकल विच इज एट एक्स बराबर 4 एट टाइम, टाइम क्या लिखूंगा, टी माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन वी। देखो यार कितने लोगों को ये बात समझ में आई, मैं जो मैंने लिखा है ये वाली बात, बताओ कितने लोगों को ये बात समझ में आई जो ये मैंने लिखा है कि ये दोनों बराबर होंगे। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने एक्स माइनस 4 लिखा है पिछले क्वेश्चन में, तो आपने यहाँ पे एक्स अपॉन वी लिखा था, यहाँ पे आपने एक्स माइनस 4 अपॉन वी लिखा है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि पिछली बार जो पोजिशन हमें दी थी वो एक्स बराबर 0 की दी थी, इस बार हमें एक्स बराबर 4 के लिए दिया है, तो जो टाइम यहाँ पे पहुंचने के लिए लगा वो एक्स माइनस 4 अपॉन वी लगा, मतलब किसी टाइम टी पर यहाँ का पार्टिकल कहाँ होगा, जो एक्स माइनस 4 अपॉन वी पर यहाँ का पार्टिकल होगा, इस तरीके से, आई बात समझ में? अब तो बड़ा आसान है, कैसे, जो इक्वेशन दी है यहाँ पे टी की जगह क्या रिप्लेस कर दें, ये रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। तो वाई एक्स कॉमा टी बराबर आ गया 2 अपॉन टी स्क्वायर, और टी की जगह लिखेंगे हम टी माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और v की वैल्यू हमें पता है, v कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे v की जगह 2 रख देंगे, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा t माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने इधर से पूछ लिया, मतलब यहाँ ये डेटा देके मैंने आपको पूछ लिया था वेव की इक्वेशन क्या होगी। उल्टा भी पूछा जा सकता है कि आपको ये डेटा दे दिया जाता है, सीधे ये इक्वेशन दे दी जाती कि वाई एक्स टी बराबर दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए इक्वेशन ऑफ वेव, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेव की वेलोसिटी बताओ और ये भी बताओ कि वो वेव किस डायरेक्शन में जा रही है। तो आपको इसको देख के बताना था कि वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है, क्या आप इस चीज को देख के बता सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है? देखो आपको मैंने एक चीज सिखाई कि अगर टाइम का कॉफिशियंट 1 है तो एक्स के नीचे जो लिखा है दैट इज 1 अपॉन वी, है ना, एक्स का जो कॉफिशियंट, टी का कॉफिशियंट अगर 1 है तो एक्स का जो कॉफिशियंट होगा वो 1 अपॉन वी है, तो यहाँ पे एक्स का कॉफिशियंट कितना है 1 अपॉन 2, तो दैट इज 1 अपॉन वी, तो वी बराबर कितना आ गया
मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ऐसे देख लो, x के नीचे जो लिखा होगा वो सीधा सीधा सीधे v होगा, राइट। या ऐसे देख लो कि x का जो कॉफिशियंट होगा वो 1/v के बराबर होगा। आंसर तो दो ही आने वाला है कैसे भी देख लो, ठीक है। ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ द वेव। अब डायरेक्शन कैसे देखेंगे, सोचो डायरेक्शन कैसे देखेंगे। डायरेक्शन देखेंगे, देखो यहाँ पे आ रहा है माइनस, यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस, मतलब माइनस आ रहा है मतलब टाइम में पीछे चले हैं हम, मतलब वेव आगे जा रही है तभी तो टाइम में पीछे चले। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव की डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव एक्स। अब सपोज ऐसा होता कि वेव पीछे की डायरेक्शन में जाती है, ऐसा ऐसे जा रही है कहीं, तो हमें उस माइनस एक्स पर निकालना पड़ता, तो पीछे आते तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्लस आ जाता, राइट। तो आप ऐसा डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि अगर टी माइनस एक्स अपॉन वी का टर्म बन रहा है, मतलब वेव किधर जा रही है, मतलब ऐसा सोचो कि टाइम का कॉफिशियंट तो पॉजिटिव में है और एक्स का कॉफिशियंट नेगेटिव में है ना, उस केस में वेव किधर जाएगी, पॉजिटिव एक्स में, राइट। और अगर टाइम का कॉफिशियंट भी पॉजिटिव हो जाता और एक्स का कॉफिशियंट भी पॉजिटिव हो जाता तो उस केस में वेव किधर जाती, नेगेटिव एक्स में। और धीरे धीरे सीखते जाएंगे, अभी आगे चलते जाएंगे सीखते जाएंगे। तो देखो यहाँ पे पाई वाई रखो से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमें तो टी की जगह पे रखना है, एक्स बराबर जीरो के लिए दिया है, पर इस बार जो वेव है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा जा रही है, तो क्या करें बताओ। तो देखो यहाँ पे भी वही सेम काम है, तो यहाँ पे भी वही है सेम कि ये एक्स बराबर जीरो है जहां की पोजिशन हमें दी हुई है, हमें निकालना क्या है, हमें किसी रैंडम किसी जनरल पॉइंट एक्स पर कोई पार्टिकल है, किसी जनरल पॉइंट एक्स पर, ये रहा एक्स बराबर एक्स लिख देता हूँ यहाँ, एक्स बराबर एक्स पर कोई पार्टिकल है और किसी मोमेंट पर किसी टाइम टी पर उसकी पोजीशन क्या है, ये हमें बताना है। सपोज इसकी पोजीशन ये है तो हमें ये बताना है किसी टाइम टी पर इसकी पोजीशन क्या है। बट इस बार जो वेव है, जो वेव सपोज ऐसे कुछ वेव है, वो वेव ऐसे उल्टा जा रही है वी, है ना। हमें किसका पता है, हमें यहां का पता है कि एक्स बराबर जीरो पर जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन की इक्वेशन, उसकी पोजीशन की इक्वेशन हमें पता है, ये पता है, और वेव ऐसे आ रही है, सोचना ध्यान से। तो इस बार क्या होगा, मतलब यहां पे जो पोजीशन होगी, जो भी पोजीशन होगी यहाँ पे पार्टिकल की, जो भी पोजीशन होगी यहाँ पे, वो सपोज ये पोजीशन है पार्टिकल की यहाँ पे, है ना, और वेव ऐसे जा रही है, तो पार्टिकल की जो भी पोजीशन होगी तो इस को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, इस पल्स को यहां से यहां, वेव ऐसे चल रही है ना, तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये डिस्टेंस एक्स है, वेलोसिटी वी से आ रही है, तो पहुंचने में समय लगेगा एक्स अपॉन वी, राइट। मतलब यहां पे पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितने समय के बाद यहां पे जो पार्टिकल उसका डिस्प्लेसमेंट बनेगा, जितना टाइम में ये वेव यहां से यहां तक पहुंचेगी। भाई पिछली बार उल्टा था, पिछली बार वेव यहां से यहां तक आ रही है, तो हम ऐसा बोल रहे थे कि यहां पे जो टी माइनस में था, भाई समझो पिछली बार उल्टा था, वेव ऐसे जा रही थी, तो हमने बोला कि किसी टाइम टी पर पार्टिकल जिस पोजिशन पे होगा, तो ये जो पहला पार्टिकल था वो टी माइनस एक्स अपॉन वी पे जहां था वहीं पे टी टाइम पर ये होगा, बट इस बार वेव ऐसे आ रही है, तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि किसी टाइम टी पर पार्टिकल जिस भी पोजीशन में है, टी प्लस एक्स अपॉन वी टाइम पर, टी प्लस एक्स अपॉन वी टाइम पर इस पार्टिकल की पोजीशन वही होगी, राइट, क्योंकि वेव इधर आ रही है ना इस बार। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि y x कॉमा t बराबर y एट जीरो t प्लस x अपॉन v, मतलब इस टाइम पर जो इस पार्टिकल की पोजीशन होगी। अब सपोज करो ऐसा ही तो है कि यहाँ पे t प्लस x अपॉन v है, तो उसमें से हम उल्टा माइनस कर दिया, तो यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा, ऑटोमेटिक t आ जाएगा, वेव इधर जा रही है ना,
समझे? समझ गए, वेरी गुड। तो ये इक्वेशन कितनी आ गई बताओ, वाई एक्स कॉमा टी बराबर ए साइन ओमेगा, टी की जगह लिख दिया टी प्लस एक्स अपॉन वी प्लस पाई भी था, वो तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा अपॉन वी इंटू एक्स प्लस पाई, तो क्या लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या देखा आपने, काम की चीज देखो आप, तो यहाँ पे कि एक्स और टी के बीच में कैसा साइन आ रहा है, प्लस का, तो यहाँ समझ जाना है नेगेटिव में जा रही है। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं इसके, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आए भी हैं पहले कई। फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव, ये वेव की इक्वेशन है, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है, इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। तो देखो अगर आपको अपनी इक्वेशन से कंपेयर करना तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि एक्स पहले आ गया टाइम बाद में आ गया तो ये गड़बड़ हो गया, कुछ नहीं हुआ, वही है। आपको बस अपने काम पे फोकस रखना है कि क्या चाहिए आपको, x का कॉफिशियंट निकालना है, लेकिन x का कॉफिशियंट कब देखना है, जब टाइम में कोई कॉफिशियंट नहीं होना चाहिए, टाइम का कॉफिशियंट 1 होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर 3 से डिवाइड मतलब 3 को कॉमन निकाल लो, 3 को आप जब इससे कॉमन निकालोगे तो काम बन जाएगा आपका। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखो मैंने क्या किया कि -3 को कॉमन निकाल लिया इस इक्वेशन में से, इसमें से -3 को कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, तो ये बन जाएगा -3 की पावर होल 4। ठीक है, -3 को बाहर निकाल लिया तो यहां पे बन जाएगा प्लस टी, तो मैं टी को पहले लिख देता हूं, फिर बन जाएगा -2/3x की पावर होल 4 प्लस 1। आई बात समझ में? अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये x का कोफिशियंट होता है जब टाइम का कोफिशियंट 1 होता है, तो उस केस में जो x का कोफिशियंट होता है वो किसके बराबर होता है, वो 1/v के बराबर होता है। x का कोफिशियंट 1/v के बराबर होता है, याद है बताया था। तो मैंने यहां पे 1/v को x के कोफिशियंट के बराबर कर दिया, तो v बराबर कितना आया 3/2, यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्शन, तो यहां देखो टाइम प्लस में x माइनस में, तो ऑब्वियस है कि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है, सिंपल। ठीक है, और क्या क्या बता सकते हैं इसमें, हम शेप भी बता सकते हैं, एम्पलीट्यूड भी बता सकते हैं, कैसे, देखो शेप क्या होगी, तो शेप तो जो होगी वही ट्रेवल करेगी ना पूरे पल्स में, एक पल्स की है ये इक्वेशन, तो शेप बताने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई अगर शेप बतानी है आपको तो मैंने बोला था टाइम को फिक्स कर दो तो शेप आ जाएगी। टाइम को फिक्स करने वाला टाइम की कुछ भी वैल्यू डाल दो, टाइम की अगर वैल्यू फिक्स कर दोगे तो वाई और एक्स में एक रिलेशन बन जाएगा, यानी कि वाई और एक्स में ग्राफ बनेगा, तो जो ग्राफ है वही शेप होगी उस वेव की। तो टाइम को अगर हम कुछ भी डाल सकते हैं अपने मन से, टाइम को फिक्स करना है तो क्यों ना 0 डालें, सही बात है ना भाई, जब हम कुछ भी डाल सकते हैं टाइम को तो 0 डालें ना, इससे क्या मैथमेटिकल दिक्कत नहीं आएगी हमें, बिना मतलब कि इतना बड़ा बड़ा सॉल्व करने की क्या जरूरत है जब छोटे से काम चल रहा है। तो हम इस इक्वेशन में टाइम को 0 डाल देंगे, तो टाइम को जब 0 डालेंगे तो ये इक्वेशन सिर्फ एक्स का फंक्शन बन जाएगा, और कितना बन जाएगा, टाइम को 0 डाल दिया मैंने तो ये टर्म गया
ये बन गया 2x की पावर 4 प्लस 1, यानी कि 4 अपॉन 3 को 0 डालना, तो ये कोफिशिएंट खत्म हो गई 2 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4, तो 16x की पावर 4 प्लस 1। अब ये ग्राफ है, इस ग्राफ की अगर आप मतलब इस इक्वेशन का अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो तो आपको शेप भी मिल जाएगी। आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो क्या, वो आपके ऊपर है, ये आपको होमवर्क है। तो आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है वाई और एक्स में इस इक्वेशन का, बताइए कर सकते हो क्या, ये होमवर्क है। और आपको कल बताना है कि इसका शेप क्या होगा, इसको ड्रॉ करना है और इसका शेप बताना है, जो भी शेप आएगा। ठीक, कुछ जनरल बातें बता देता हूँ ट्रैवलिंग वेव के बारे में, जिससे आप देखते ही आंसर दे दोगे, है ना। तो जनरली जो इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव होती है वो किस फॉर्म में होती है, जनरली इक्वेशन ऑफ, आपने अभी 3-4 सवाल किए, आपको समझ में आया कि जो ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन होती है तो कोई फंक्शन होता है, जैसे साइन का, कॉस का, ई का, कोई भी फंक्शन हो सकता है, और अंदर क्या होता है, एक टाइम की टर्म होती है और एक एक्स की टर्म होती है, यही होता है, एक टाइम की टर्म होती है और एक एक्स की टर्म होती है। अब टाइम की टर्म का भी कोई कोफिशियंट हो सकता है, सपोज ए मान लो, और एक्स की टर्म का भी कोई कोफिशियंट हो सकता है, सपोज बी मान लो। ठीक है, और क्या हो सकता है, हो सकता है टाइम का टर्म प्लस में हो सकता है एक्स का टर्म भी प्लस में हो सकता है टाइम का टर्म नेगेटिव में हो सकता है टाइम का, सॉरी, एक्स का टर्म नेगेटिव में हो, मतलब यही पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जितने कॉम्बिनेशन बनेगी, ये प्लस में है, ये प्लस में, ये प्लस में पर ये माइनस में, हो सकता है ये माइनस में और ये प्लस में, हो सकता है ये माइनस में और ये भी माइनस में। तो हम डायरेक्टली क्या क्या बता सकते हैं इसको देख के, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस फॉर्म को देख के हम डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि वेव की डायरेक्शन क्या होगी, वेव की डायरेक्शन क्या होगी, है ना। तो मैं यहाँ कॉफिशियंट्स लिख रहा हूं, अगर इधर टाइम का और इधर एक्स का, ठीक है, अगर टाइम का कॉफिशियंट प्लस में और एक्स का भी प्लस में हुआ, दोनों या तो प्लस में, मतलब टाइम का कॉफिशियंट भी प्लस में और एक्स का कॉफिशियंट भी प्लस में, या टाइम का भी माइनस में और एक्स का भी माइनस में, तो बताओ क्या होगा, मतलब यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो बताओ जो डायरेक्शन होगी वेव की, ट्रैवलिंग वेव की, किस डायरेक्शन में होगी, दोनों साइड प्लस है, कब आता था प्लस, माइनस एक्स के, है ना। तो इस केस में जो डायरेक्शन होगी, वेव गोज इन इन नेगेटिव डायरेक्शन, राइट, हाँ, और अगर एक्स का टाइम का कोफिशिएंट प्लस हुआ और एक्स का माइनस हुआ, या उल्टा इसका माइनस हुआ और इसका प्लस हुआ, तो इस केस में वेव गोज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन या पॉजिटिव एक्स, ठीक, समझ गए। और क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली हम यहां से, ये जो हम देख के क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली बता सकते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव भी, डायरेक्टली बता सकते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव या स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव कैसे बता सकते हैं डायरेक्टली, देखो हमें पता है ना, एक फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया आपको, क्या बताया था कि ओमेगा बराबर के इन टू वी, तो वी बराबर कितना, ओमेगा अपॉन के, तो ओमेगा किसका कोफिशियंट होता है बेसिकली, टाइम का, और के किसका कोफिशियंट होता है बेसिकली, एक्स का, तो मतलब कोफिशियंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ टी एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स, ये हमें डायरेक्टली क्या दे देंगे, वेलोसिटी ऑफ
वेव, स्पीड ऑफ वेव हमें मिल जाएगी यहाँ से, राइट। एक तरीका तो ये है कि टाइम के कॉफिशियंट को वन कर लो, कॉमन लेके बाहर निकाल दो, तो जो मिलेगा वो वन अपॉन वी मिलेगा, मतलब एक्स का कॉफिशियंट जो मिलेगा वन अपॉन वी मिलेगा, उसको कंपेयर करके ऐसे कर दो। या देखो अभी जो मैंने बताया कि कॉफिशियंट ऑफ किसका, टाइम का डिवाइड बाय कॉफिशियंट ऑफ एक्स का, तो यहाँ देखो ओरिजिनल इक्वेशन में कॉफिशियंट ऑफ टाइम कितना है 3, कॉफिशियंट ऑफ एक्स कितना है 2, ये आ गया सीधा स्पीड ऑफ वेव। आई बात समझ में? जैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमारा टाइम का कॉफिशियंट कितना है ए, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ए अपॉन बी, राइट। वैसे ए अपॉन बी से अच्छा है हम यहाँ लिखें ओमेगा अपॉन के, क्योंकि टाइम के साथ जो लिखा रहेगा वो होता है ओमेगा और जो एक्स के साथ लिखा रहेगा वो होगा के। किसमें पर? साइनसोइडल वेव में, है ना। बाकी इन जनरल ए और बी ले लेंगे। तो एक इक्वेशन दी आपको वेव की एक्स और टाइम के फंक्शन, देखो एक्स भी और टाइम भी है यहाँ पे, आपको फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव विद डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। चलिए करते हैं। सो सबसे पहले स्पीड फाइंड करते हैं, कॉफिशियंट ऑफ टी एंड कॉफिशियंट ऑफ एक्स, डायरेक्शन क्या आएगी, देखो एक प्लस में है और कॉफिशियंट ऑफ एक्स प्लस में है, टाइम का कॉफिशियंट माइनस में है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, राइट। अच्छा चलो इसमें और चीजें भी मैं निकलवाता हूँ हाथ के हाथ कि आपसे अगर पूछ लिया ऐसे साइन की इक्वेशन दी है आपको, पूछ लिया कि बताओ एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, टी का जो कॉफिशियंट है, टी का जो कॉफिशियंट है 200, राइट। है ना। अच्छा चलो बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है यहाँ पे हमें, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूं, ओमेगा अपॉन 2 पाई करके, राइट। अच्छा वेवलेंथ निकालनी है, वेवलेंथ कैसे निकालूं बताओ, वेवलेंथ कैसे निकालूं, तो वेवलेंथ निकालने के लिए के पे जाना पड़ेगा पहले, के बताओ के क्या होगा, जो एक्स का कोफिशियंट है वो के हो जाएगा। अब जो भी एक्स का यूनिट होगी अगर 100 मीटर, तो सॉरी मीटर इनवर्स, अगर एक्स मीटर में है तो ये जो के है वो कितना हो जाएगा, मीटर इनवर्स में, अगर एक्स सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर इनवर्स में, मैं मीटर इनवर्स लिख लेता हूँ क्योंकि एक्स को मीटर में ले रहा हूँ, ठीक है। तो के क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेव नंबर, और वेव नंबर आपको पता है क्या होता है, वेव नंबर सुना है केमिस्ट्री में, 1 अपॉन लैम्डा इज द वेव नंबर, और एंगुलर है इसका मतलब 2 पाई से मल्टीप्लाई, तो मतलब के को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा, राइट। तो यहाँ से कितना आ गया बताओ, के बराबर होता है 2 पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, के को मैंने 2 पाई बाय लैम्डा लिख दिया, 2 पाई बाय लैम्डा बराबर 100, तो लैम्डा बराबर 100। अच्छा आप बोलोगे सर ऐसे हम तो एक तरीके से और निकाल सकते थे, कैसे निकाल सकते थे कि सर हमको फ्रीक्वेंसी पता है और हमें स्पीड पता है, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, हाँ बिल्कुल सही सेम आंसर आएगा, करके देखो फ्रीक्वेंसी बराबर कितनी होती है, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, तो यहाँ से वेवलेंथ कितना हो गया, वेवलेंथ कितना हो गया, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी एफ, है ना, वेलोसिटी कितनी है 2, तो 2, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 अपॉन पाई, सही सेम आंसर आ रहा है।
यहाँ से भी सेम आ रहा है, बताओ आया नहीं आया सब कुछ सेम? चलो ये सारी चीजें मैं लिख दूंगा अभी एक साथ, ठीक है? तो हम अब पढ़ लेते हैं जो हमारे कोर्स में डिटेल में, कि इक्वेशन ऑफ साइनसोइडल वेव ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रिंग है और जो साइनसोइडल वेव उस पर चल रही है, जिसका हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, जिसका हमने एनिमेशन भी देखा, तो ये है एग्जाम्पल साइनसोइडल वेव का, जो कि इसमें क्या होता है ना, हर पार्टिकल अपनी जगह पर क्या करते हैं, एसएचएम करते हैं, अपनी जगह पर ऊपर नीचे आते हैं। अब एसएचएम का तो कोई एम्पलीट्यूड होता है, तो इसका भी एम्पलीट्यूड होगा, वेव का भी, ठीक है? तो इनको हम साइनसोइडल वेव कहते हैं, जिसमें हर पार्टिकल एसएचएम करेगा, क्योंकि उसका जो सोर्स है वो भी एसएचएम कर रहा है, ऑसिलेट करता है, तो हर पार्टिकल अपनी जगह पर एसएचएम करेगा, ठीक? इसको बोलते हैं साइनसोइडल वेव। इसकी इक्वेशन कैसे देते हैं? इक्वेशन हम ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं इसकी वैसे, तो इसकी इक्वेशन जो आती है मैं सीधा लिख लेता हूँ, कि y x t इज इक्वल टू आती है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, राइट? इस तरीके से। तो बेसिकली किसकी, ये किसकी इक्वेशन है? यह है इक्वेशन ऑफ वेव की, इक्वेशन ऑफ साइनसोइडल वेव की इक्वेशन। राइट right? अब ये पता नहीं कैसे आई है, कैसे लाए होंगे इसको हम, यहाँ पे हमें x बराबर 0 पर जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल है, इसकी इक्वेशन दे रखी है y 0 कॉमा t, इसका डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये सपोज दे रखी है a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, और जो वेव है वो इस तरफ जा रही है v वेलोसिटी से, तो किसी x पर निकालना है, तो कर चुके हैं ना ये टी माइनस एक्स अपॉन वी रख के, इस तरीके से ये आ जाएगा, राइट? यहाँ पे कौन क्या है पता है आपको? ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है यहाँ पे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ द वेव, कोफिशियंट ऑफ टी, यानी कि ओमेगा अपॉन के। अच्छा के क्या है यहाँ पे? एंगुलर वेव नंबर, ठीक? अब देखो अगर हम यहाँ पे टाइम को फिक्स कर देते हैं, टी को फिक्स कर देते हैं, टी की जगह टी नॉट अपन फिक्स कर देते हैं, मतलब यहाँ पे अब ये टी ना कोई नंबर लिखा है, जैसे 3 4 नंबर लिखा है, तो ये इक्वेशन किसके से बन गई? वाई और एक्स में, वाई और एक्स में एक रिलेशन बन गई। तो बेसिकली क्या बन गया, ये ग्राफ बन गया है ना, किसका? जो शेप बताएगा आपको उस वेव का। बेसिकली हमने क्या ले लिया, स्नैपशॉट ले लिया, स्नैपशॉट ऑफ द वेव, राइट? एट एट पर्टिकुलर टाइम टी नॉट। तो किसी टाइम, मतलब इक्वेशन ऑफ वेव में अगर टाइम की जगह हम टी नॉट पुट कर दें, कोई एक पर्टिकुलर टाइम रख रख दें, तो उसका मतलब क्या है? अगर इस इक्वेशन को हम एक पर्टिकुलर टाइम टी नॉट पर स्टडी करते हैं, तो क्या लिखेंगे इस इक्वेशन को? वाई बराबर ए साइन तो बेसिकली ये इक्वेशन क्या बन गई? अब इट रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल एट द टाइम टी नॉट, ठीक है? तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाली इक्वेशन, क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इस पर्टिकुलर टाइम टी नॉट पर सारे पार्टिकल्स का क्या पोजिशन है, क्या पोजिशन है हर अलग अलग एक्स पर, क्या पोजिशन है किस पार्टिकल की, टाइम को फिक्स कर दिया हमने, राइट? इसको कैसे समझ सकते हैं हम? स्नैपशॉट ऑफ अ वेव एट टी इज इक्वल टू टी नॉट। सो अब समझेंगे वेवलेंथ होता क्या है। वैसे तो डिस्टेंस द लेंथ ऑफ द वेव इज वेवलेंथ, पर वेव तो बहुत लंबी है, तो किस लेंथ को हम बोलते हैं वेवलेंथ? तो बेसिकली एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में वेव जितना चलती है वो कहलाता है वेवलेंथ। एक टाइम पीरियड में वेव जितना चली, ठीक है? अब एक टाइम पीरियड का क्या मतलब है? रिपीटेशन, जहां पे पैटर्न का रिपीटेशन फिर से आ गया, जैसे यहाँ पार्टिकल है ना, ये इस तरीके से ऊपर नीचे फिर यहाँ, इसके बाद फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया उसका भाई यहाँ तक, तो बेसिकली यहां से यहाँ तक की लेंथ क्या कहलाएगी? वेव लेंथ। मतलब एक टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड ये हो गया ना, टाइम पीरियड का मतलब कहता है कि जब साइकिल रिपीट होने लगे, जैसे यहां से लेके यहाँ तक एक साइकिल हो गया, फिर देखो सेम टू सेम,
ये वेव ऊपर जा रही है, यहाँ पे भी ऐसे पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, तो बिल्कुल शेप रिपीट हो रही है, तो उसको हम मतलब नेक्स्ट साइकिल बोलेंगे। तो एक साइकिल ये हो गया है, तो एक साइकिल में वेव जितना चलती है, सपोज वेव चल रही है वी वेलोसिटी से, एक साइकिल में लगने वाला टाइम है कैपिटल टी, तो वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू टाइम पीरियड टी इज द वेवलेंथ, है ना। तो मतलब बेसिकली वेवलेंथ क्या हो जाएगा, तो हम कहीं से भी कहीं तक भी देख सकते हैं, जैसे हम यहां से लेके यहां तक देख सकते हैं, राइट, या सपोज यहां से लेके यहां तक देख सकते हैं, राइट, या यहां से लेके यहां तक देख सकते हैं, मतलब जब रिपीटेशन होने लगे ना, तो डिस्टेंस आफ्टर विच डिस्टरबेंस पैटर्न विल रिपीट, तो उतनी डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाती है। ओके, तो ये होता है वेवलेंथ। तो डिस्टेंस आफ्टर विच डिस्टरबेंस पैटर्न विल रिपीट, या डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रॉस ट्रॉफ। सो यहाँ पे डायग्राम में देखो, डायग्राम में क्या क्या हो सकता है ना, देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये भी एक वेवलेंथ कहलाएगी, बिकॉज एक टाइम पीरियड में, एक साइकिल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल की, एक टाइम पीरियड में वेव ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वेवलेंथ है, या फिर कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रॉफ, वो आगे चले गया, अंदर चले गया, तो ठीक है, हम समझ गए कि यहाँ पे आएगा वो, तो ये भी वेवलेंथ है, ये भी वेवलेंथ है, राइट। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिला, फॉर्मूला क्या मिला कि एक एक टाइम पीरियड में जितना लेंथ ट्रेवल की, दैट इज वेवलेंथ। तो मैं यहां से लिख सकता हूँ कि लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू टाइम पीरियड, राइट, वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू टाइम पीरियड। अब मैं अगर इस फॉर्मूले को चेंज करना चाहूँ ओमेगा और के टर्म में, सो मैं यहाँ पे लैम्डा को लैम्डा लिखूं और वेलोसिटी को लिख सकता हूँ एंगुलर फ्रिक्वेंसी अपॉन के, एंड टाइम पीरियड को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा अपॉन 2 पाई, राइट, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, टाइम पीरियड को लिख सकता हूँ 2 पाई बाई ओमेगा। यहां से हम क्या देख रहे हैं, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया और के बराबर कितना आया, है समझ। तो एक तो ये मिला हमें कुछ, ठीक, और क्या मिला, और भी बहुत सारी चीजें हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इस रिलेशन से, यही से आ रही है सारी चीजें, जो हम फॉर्मूले जितने भी यूज कर रहे हैं सारी चीजें यहीं से आ रही है, लैम्डा बराबर वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू टाइम पीरियड, वही फ्रीक्वेंसी के साथ जो रिलेशन निकाल रहे हैं वो भी तो यहीं से आ रहा है, कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे लैम्डा बराबर वेव वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, राइट, तो रिलेशन यहीं से तो आया, फ्रीक्वेंसी बराबर वी अपॉन वेवलेंथ, ठीक है, समझ गए इस तरीके से। एंड लास्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे हमने क्या फिक्स किया था, टाइम को फिक्स किया था, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने स्टडी की थी इस इक्वेशन की, तो टाइम को फिक्स कर दिया था, तो ये स्नैपशॉट बन गया था, मतलब शेप बन गई थी वेव की, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो शेप ऑफ द वेव, है ना, या स्नैपशॉट लिख सकते हो कि स्नैपशॉट टी का टी नॉट। बट अगर हम एक्स को फिक्स कर दें तो क्या होगा, हाँ, तो इसमें ये भी टर्म फिक्स हो गई, मतलब एक कुछ यहाँ पे लिखा है, ऐसे कुछ भी लिखा है, पाई लिखा है, टू लिखा है, कुछ लिखा है, तो इक्वेशन किसकी हो गई, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पार्टिकल है एक्स नॉट, उसके एसएचएम की इक्वेशन है बेसिकली, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, ये एक वीडियो है, राइट, वीडियो है, एक क्लिप है किसकी, जो एक्स बराबर एक्स नॉट पर, सपोज यहाँ पे एक्स नॉट पर एक पार्टिकल है, उसके एसएचएम की एक क्लिप है, अगर हम एक्स को फिक्स कर देंगे और देखेंगे तो हमें केवल क्या दिखेगा, मतलब अपनी आंखों को यहाँ ठहरा दो, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, मतलब पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, तो समझ गए क्या है, तो एक्स को फिक्स करने पर क्या मिलेगा, एसएचएम की इक्वेशन मिलेगी इस पर्टिकुलर केस में, और वैसे बोल सकते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगा उस
पर्टिकुलर एक्स बराबर एक्स नॉट वाले पार्टिकल का, ठीक। ओके, तो अभी के लिए अपन इतना रखते हैं, अगली क्लास में पढ़ेंगे।